दोस्तों गुड इवनिंग। आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है। ये घटना कानपुर की है। 21 सितंबर की शाम को यूपी के कानपुर के एक सोसाइटी के 10वीं मंजिला पर हुई इस घटना ने देश को झकझोर कर दिया है। युवती के साथ हुई जबरदस्ती ने रूह खड़ी करने वाली है। वो युवती तो डायरी मालिक के पास नौकरी के लिए गई थी, लेकिन इसके बदले में मिला क्या? ना सिर्फ मौत बल्कि वो दरिंदगी जिसे सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो भला क्या उस लड़की को क्या बीती होगी? दरअसल 21 सितंबर की शाम को यूपी के कानपुर की एक सोसाइटी में 10वीं मंजिला पर हुई इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। आरोपी डायरी मालिक प्रतीक ने अपने फ्लैट पर युवती को मीटिंग के बहाने बुलाकर नशे में उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। लड़की ने विरोध करने पर लड़की को 10वीं मंजिला से नीचे फेंक दिया था। अब इस घटना में मृतक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट से घटना की दरिंदगी सामने आई है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला है कि कल्याणपुर इंदिरा नगर के हाई प्रोफाइल गुलमोहर रेसिडेंसी फ्लैट में लड़की से उसके मालिक ने बेहद ही गंदे तरीके से व्यवहार किया था। युवती के शरीर पर इतने चोट आए हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखने वाले डॉक्टर को भी चौंक गए हैं। डॉक्यूमेंट्स में लिखने के लिए जगह ही नहीं बचा था, जहां जगह कम पड़ गई थी। युवती के शरीर पर गंभीर चोट, 25 से ज्यादा चोट का निशान मिले। पोस्टमार्टम में दरिंदगी का सच आया सामने। शरीर पर पूरे 25 गंभीर चोटें मिले और सिर की हड्डी 5 जगह से टूटी हुई थी और दाहिना हाथ 2 जगह से टूटा है और उस पर 6 गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं। युवती के लेफ्ट हैंड में 3 जगह गंभीर चोट के निशान मिले हैं। होठों और छाती के नीचे हिस्से में भी चोट निशान दिखा गया है। पेट के नीचे से लेकर जांग के बीच में कुल 4 निशान मिले हैं। युवती के दोनों पैरों में कोई भी फ्रैक्चर नहीं है, मतलब वो खुद से कूदी नहीं थी। डॉक्टर बताते हैं कि उसे जबरन नीचे फेंका गया, इसीलिए पैर में फ्रैक्चर नहीं मिले। पेशाब की थैली फटी मिली। गर्भाशय के निशान देखा गया। प्राइवेट पार्ट्स में बाहर चोट तो नहीं है, लेकिन अंदर से गर्भाशय पूरी तरह से जख्मी है। लड़की जब सोसाइटी में मृतक अवस्था में मिली तो सब लोग देखकर हैरान हो गए। रिपोर्ट में लिखा है कि युवती के जींस के नीचे खुली हुई थी, जींस की चेंज भी खुली हुई थी, जींस का बटन भी टूटा हुआ था, टॉप में काफी खून लगा था, लेकिन लड़की के आंतरिक कपड़ों से लेकर सभी कपड़े अस्त व्यस्त मिले। लड़की ने नाखून में आरोपी के शरीर के खाल मिले। जांच रिपोर्ट में लिखा है कि लड़की के नाखून में लड़के के शरीर के खाल मिले थे, कुछ हिस्सा मिला हुआ है, लेकिन नाखून को जांच के लिए स्टोर नहीं किया गया, जो सवालों के घेरे में है। आशंका है कि आरोपी जब जबरदस्ती कर रहा था तब विरोध करते हुए समय उसके हाथ में उसके छाल के निशान आ गए रहे। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए और भी सबूत के लिए काफ़ी अहम था, इसीलिए बड़ी लापरवाही हुई है। युवती से हुई दरिंदगी की जांच के लिए कुल 17 अलग अलग पिसलने का जो चार्ट रहता है उसको बनाया गया, जो ड्राइंग रहता है डायग्राम, उसको बना के जांच एजेंसी ने उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ताकि डायग्राम को मैच कराया सके। 13 पॉइंट्स में वेजिना सीमेन की जांच के लिए भी स्लाइड्स बनाई गई है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि फेक के अंदर किस कदर आरोपी ने दरिंदगी की होगी। यह वजह है कि पीड़िता लड़की ने नाखून में आरोपी के शरीर के खाल मिले, वो खुद को बचाने के लिए कितना लड़ी होगी, लेकिन इस आदमी ने उस मासूम को नहीं छोड़ा। मृतक की बड़ी बहन ने बताया कि छोटी बहन पहले कानपुर के काकादेव में एक ऑप्टिकल शॉप पर नौकरी करती थी। कोरोना लॉकडाउन के दौरान उसकी नौकरी छूट गई थी। इसके बाद घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए
वो नौकरी की तलाश में थी। उसे एक दोस्त ने बताया था कि नरमाव एरिया मॉडल डायरी में वैकेंसी से, इसीलिए नौकरी की तलाश में छोटी बहन 18 सितंबर को डायरी मालिक प्रतीक से मिली थी। वहां उसकी नौकरी लग गई थी, 8000 प्रति महीना सैलरी से काम करते थे। 19 सितंबर से नई नौकरी पर जाने भी लगी थी। घटना वाले दिन यानी 21 सितंबर को उस युवती का तीसरा दिन था। परिवार के लोगों ने बताया कि आरोपी करीब 4:30 बजे डायरी मालिक प्रतीक ने ऑफिस से कल्याणपुर इंदिरानगर स्थित गुलमोहर रेसिडेंसी अपार्टमेंट में ले आया था। फ्लैट पर जाने के लिए युवती ने मना कर दिया था। तब आरोपी ने यह कहकर ले आया था कि हमारा अन्य स्टाफ भी अपार्टमेंट से काम करते हैं, अभी नई ज्वाइनिंग हुई हो तो वहाँ मौजूद लोगों ने आपको काम सिखा देंगे। ये बोलकर आरोपी ने अपनी गाड़ी में बिठाकर युवती को अपार्टमेंट में ले आया था। इस तरह की हरकत को देख युवती ने फोन पर अपनी बहन से कहा था कि मेरे सर का व्यवहार ठीक नहीं है, आज उनके साथ जा रही हूँ लेकिन आगे से काम नहीं करूंगी। इसके बाद उसी शाम को करीब 6:30 बजे अपार्टमेंट की 10वीं मंजिला से युवती नीचे गिरी। इसे देख वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को सूचना दी थी। युवती ने आखिरी बार बोली थी, मुझे बचा लो। इस घटना से ठीक पहले युवती ने आखिरी बार एक फोन पर कहा था कि मुझे बचा लो, मेरे बॉस प्रतीक वैसा ने मुझे अपने फ्लैट में कैद कर लिया है, वो मेरे साथ हैवानियत कर रहा है। इसके बाद ही आरोपी प्रतीक ने युवती के साथ गंदी हरकत को अंजाम देकर उसे 10वीं मंजिले से नीचे फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सबूत के तौर पर उसका कॉल रिकॉर्ड भी मजबूत बरामद कर लिया है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार घटना वाले दिन आरोपी प्रतीक शाम करीब 4:30 बजे युवती को लेकर कल्याणपुर से गुलमोहर रेसिडेंसी फ्लैट में लेकर पहुंचा था। ये घटना करीब 6:30 बजे हुई थी। इससे 1 घंटा 30 मिनट के बीच आरोपी ने जमकर शराब पी थी और लड़की के साथ जबरदस्ती की। पुलिस ने जब आरोपी को हिरासत में लिया था तभी वो शराब के नशे में धुत था। प्रतीक ने खुद कबूल किया कि उसको पैसे की लालच देने वाला था और इसलिए और पैसों की लालच से वो मान जाएगी सोच के उसने ये जबरदस्ती किया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रतीक ने जो बताया था वो बेहद ही चौंकाने वाला था। उसने बताया था कि नौकरी पर आने के बाद युवती ने अपनी आर्थिक तंग के बारे में बताया था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि अगर उसे पैसों का लालच दे दिया जाए तो वो कुछ भी कर लेगी और उसके लिए उसने पैसों की लालच देकर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की ने उससे इनकार कर दिया। तो यह सोचकर बहाना बनाते हुए 21 सितंबर की शाम को ऑफिस से अपने फ्लैट पर ले आया था। फ्लैट पर आने के बाद कुछ देर तक उससे रुकने के लिए कहा और फिर शराब पी। उसके बाद युवती को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोला, साथ में लालच भी दिया था। अगर वो युवती खुशी से तैयार हो जाती तो उसे सैलरी से कई गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा बोलकर उसने बताया था, लेकिन वो नाराज हो गई और उसे विरोध करने लगी। इसे सुन गुस्सा में आकर उसके साथ जबरदस्ती की। उसी दौरान हाथापाई हुई। वो बार बार रोकने की कोशिश करती रही और फिर कमरे से बाहर की तरफ भागने लगी। मेन गेट तुरंत लॉक कर दिया प्रतीक ने, तब फिर भी वो बेलकनी की तरफ भागने लगी। कुछ ही देर तक मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उसे फ्लैट से नीचे फेंक दिया था। ये खुद प्रतीक ने कबूल किया था। ये सारे जितने भी अभी बताए गए आपको, वो प्रतीक ने पुलिस के सामने बयान दिया था। जिस फिल्म को देखकर उसने रची थी साजिश, उसी फिल्म से पुलिस को हुआ शक। ऐसे खुला हुआ राज। घर पर बनाया था अयाशी का अड्डा, पत्नी ने भी छोड़ दिया था।
प्रतिकूल। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने पहले भी कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया चुका होगा। इसकी जांच हो रही है। इस घटना को लेकर एसपी कल्याणपुर दिनेश कुमार शुक्ला ने मीडिया को बताया है कि सोसाइटी के 10वीं मंजिला के फ्लैट नंबर 1006 में प्रतीक ने आयशी का अड्डा बना रखा था। वो अक्सर शराब की पार्टी करता था और उसकी मेडिकल रिपोर्ट में शराब की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि प्रतीक की इसी तरह की हरकतों की वजह से उसकी पत्नी ने करीब 1.5 साल पहले ही साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उस दौरान भी लड़कियों को किसी न किसी बहाने से फ्लैट पर ले आता था। अभी निर्भया केस की वकील ने सीमा लड़ेगी अभी इस केस का मेन केस उन्होंने हाथ पे ले लिया। अभी वो आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो करने वाली है। इस केस की गंभीरता को देखते हुए निर्भया केस में न्याय दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता सीमा भी पिछले दिनों कानपुर गई थी। उन्होंने मीडिया को बताया था कि युवती के साथ दरिंदगी हुई है। उन्होंने कहा था कि आरोपी डायरी मालिक प्रतीक करोड़पति है। उन्होंने दावा किया है कि आरोपी के पिता डॉक्टर एस के वैश्य पर पहले से ही 12 से ज्यादा केस दर्ज है। सोसाइटी में आरोपी का फ्लैट आयशी का अड्डा बन गया था और आसपास के लोग भी उसे परेशान थे, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं की। इनका कहना है कि मामले में पुलिस ने कई लापरवाही की है, इसीलिए वो आरोपी को भी फांसी की सजा दिलाने तक कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस केस में आरोपी को सजा होगी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और साथ ही में शेयर कीजिए। अपने और अपने फैमिली लोगों को सुरक्षित रखें। इन फ्यूचर ये भारत के जितने भी हमारे नए युवा हैं उन सबको ये सब सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए ज़रूर कानूनी सजा होनी चाहिए, ताकि अपने बहन और माओं के लिए ये सुरक्षित रहे। थैंक यू।